प्रधान में मेधावियों को पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। गोविंदनगर विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक सुरेंद्र मैथानी और उन्नाव पूर्वा विधायक अनिल सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान बैंकिंग एवं फाइनेंस में सफलता हासिल करने वाले 25 मेधावियों को मुख्य अतिथि की ओर से सम्मानित किया गया। विधायकों ने सफलता हासिल करने पर सभी को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। पुरस्कार हासिल कर सभी चयनित अभ्यर्थी बेहद खुश नजर आए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से बैंकेज टीम के सदस्य नीतीश सचदेवा, राबिया मोइन, प्रियंका पाठक और दयाल दर्शन श्रीवास्तव मौजूद रहे। आज आप यहाँ बैंकेज कानपुर में आए हूँ, मैं यहाँ का डायरेक्टर हूँ नीतीश सचदेवा। आज हम लोग अवार्ड फंक्शन कर रहे हैं, उस अवार्ड फंक्शन में वी हैव इनवाइटेड द स्टूडेंट्स जो हमारे यहाँ अलग अलग बैंक से प्लेस हुए हैं। यहाँ पे स्टेट बैंक में प्लेस्ड स्टूडेंट्स, डीसीबी बैंक में प्लेस्ड, एचडीएफसी सिक्योरिटी, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, सब बैंक से स्टूडेंट्स आए हैं। आप पीछे देख सकते हैं हमारा अवार्ड फंक्शन चल रहा है। एंड मैं यहाँ पे आज हम लोग को 2 साल हो गया ट्रेनिंग देते हुए। मैं शुरुआत से लोगों से यही समझाता आ रहा हूँ कि बैंक की नौकरी नहीं, करियर देखिए। हमेशा ज़िंदगी में आगे ऊपर बढ़ने का सोचें। नौकरी हर किसी को मिल सकती है, मगर नौकरी का मतलब होता है कि मैंने काम किया, मुझे पैसा मिला। हम जब स्किल लेके जाते हैं तो हम करियर बनाते हैं। बैंकेज कोचिंग यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट खुला हुआ है, नितिन सचदेवा जी और सचदेवा जी उनके फादर और पूरे सारे स्टाफ के साथ। कानपुर के लिए सौभाग्य का विषय है कि कानपुर में बच्चे किस ट्रैक पर जाना चाहते हैं उनके लिए ट्रैक देना, उनको प्लेटफॉर्म देना, इसका काम इस कोचिंग के द्वारा है। इस कोचिंग के द्वारा उनको गाइड कर देना, कोच कर देना कि कैसे उन्होंने अपने इस बैंकिंग की सेवा में उनको जाना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हम लोगों को मिलते हैं और वो बैंकिंग क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, उनके अंदर प्रतिभा है, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म ना मिलने की वजह से, उनको ट्रैक ना मिलने की वजह से किस तरह से वो आगे बढ़ें और आगे बढ़ करके कैसे अपने जॉब और यहाँ रुकते